आगरा की सेंट्रल नारकोटिक्स ने छापेमारी में प्रतिबंधित दवाओं के दो गोदामों को पकड़ा था। अब इस मामले में जिले के ड्रग्स विभाग के आला अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। एडीएम सिटी केपी सिंह का कहना है कि ड्रग्स विभाग का ये बड़ा फेलियर है, इसको लेकर विभाग के आला अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। आगरा में ये संज्ञानित हुआ है कि ड्रग से संबंधित मामलों पर मेडिकल स्टोर या गोदाम पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ केंद्रीय एजेंसी हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जो भी कार्रवाई है नियमानुसार जो भी चीज़ पाई जा रही है उनके विरुद्ध की जा रही है। आगरा के एतमाद दौला थाना क्षेत्र में स्थित अनाथ आश्रम को जिलाधिकारी ने सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए नियमों का पालन करने और नियमों को पूरा करने के साथ सशर्त आश्रम को खोलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि हाल ही में इस अनाथ आश्रम के कुछ युवकों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए छत से कूद गई थी, जिसके बाद से प्रशासन की ओर से इस आश्रम को सील कर दिया गया था। अगर हमने कहा उसके लिए जो जो नियम के और जो हाईकोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन करते हुए वो चलाना चाहते हैं तो वो हम लोगों ने उसको वेलकम करते हैं और हमने कहा है आप चलाइए, मगर उसका पूरा नियम कानून का अक्षरा पालन करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जिस दिन भी रेड भी हुआ था, जिस दिन हम लोगों के अधिकारी वर्ग वहाँ पे गए थे, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। फरुखाबाद के एडीजी प्रेम प्रकाश ने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें कई खामियां मिली। एडीजी ने गार्ड रूम में अव्यवस्थाओं को देखकर संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने सिपाही की लाठी को देखकर उसे प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा इससे तो हड्डी तक टूट सकती है, इसे तत्काल बंद किया जाए। रुखाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज सिंह ने खाद विभाग की टीम के साथ मिलकर खोया मंडी में छापा मारा। इस छापेमारी से मंडी के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ दुकानदार दुकान बंद कर भाग गए। छापेमारी में टीम ने कुछ सैंपल लिए जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में आगामी त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, भैया दूज का त्यौहार है, गोवर्धन पूजा है, ये सभी त्यौहारों के मद्देनज़र मार्केट में खाद्य पदार्थों में मिलावट का अंदेशा रहता है। इसी उपलक्ष में अभी हम लोगों ने खोया मंडी में वहाँ पर जाके छापा मारा, यद्यपि वहाँ पर खोआ केवल एक आड़ती के पास मिला और एक आदमी के पास लगभग 50 किलो के आसपास खोआ था, नरोत्तम सन ऑफ अजूदी प्रसाद, तो इसके खोआ का सैम्पलिंग कराया गया और लगभग 50 किलो ही खोआ अनक्लेम्ड कोई मिला नहीं, जो बताया कि साहब हमारा खोआ है, तो उसे जो है भूसा मिलवा के उसको वहीं पर नष्ट करा दिया गया। फरुखाबाद में सोमवार की रात को एक अनियंत्रित डंपर प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुस गया। इसमें एक गाय सहित चार भैंसों की मौत हो गई। हादसा होते ही चालक खाली डंपर छोड़कर भाग गया। यह हादसा मोहम्मदाबाद कोतवाली के पसनीकपुर गांव में हुआ। जौनपुर पहुंचे वाराणसी परिक्षेत्र के आईजी विजय सिंह मीना और पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने अचानक जिला जेल में छापा मारा। आईजी के अचानक दौरे से जेल परिसर में हड़कंप मच गया। उन्होंने जेल में बंद कैदियों से भी बातचीत की। एसपी जौनपुर के द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया, सभी बैरिक्स में जाके देखा गया, बंदियों से बातचीत की गई और हॉस्पिटल का भ्रमण भी किया गया और वहाँ पर भी देखा, कोई विशेष कमी नहीं आई, लेकिन एक या दो जगह पर जो तन्हाई के अंदर कुछ कैदी थे तो वहाँ पर कच्चे आलू और कुछ सब्जियाँ वगैरह रखी हुई थी, तेल वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने इसे तो जाँच के लिए निर्देश दिए। बाकी उसके अतिरिक्त और कोई अवांछनीय कोई मोबाइल या उस तरह की कोई संज्ञान नहीं आई। उसके अतिरिक्त हमने कैदियों से और महिला कैदियों से पूछताछ करी तो उनको जेल में कोई असुविधा या उस तरीके की फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं से नहीं है।